ये 3 सेकंड के लिए ग्लो होता है और फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, वेलकम बैक टू वॉच ज्ञान। आज हम जिस वॉच का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है कैशियो फॉरेस्टर। जैसा इसका नाम है, वॉच बहुत ही यूनिक है और इस वॉच को पहन के आपको नेशनल ज्योग्राफिक या जुरासिक पार्क वाली फीलिंग आने वाली है। एक बहुत ही पॉपुलर शो है बेयर ग्रिल्स का, मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें जो होस्ट है बेयर ग्रिल्स, उन्होंने भी इस वॉच को अपने एक एक्सपेडिशन में यूज़ किया है। तो इस वॉच के को ट्रैकिंग या कैंपिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट चॉइस है ये वॉच और इसके कई सारे फीचर्स हैं। चलिए हम लोग कंप्लीट रिव्यू देखते हैं, तो देखते रहिएगा वॉच गया। इस वॉच की दूसरी स्पेशलिटी है इसका बैंड, इसका स्ट्रैप। नॉर्मल वॉचेस में, बाकी सारे वॉचेस में क्या होता है, बहुत सारे होल्स होते हैं, तो आप अपना यहाँ पे जिस हिसाब से आपका रिस्ट है उस हिसाब से आप क्लैंप करके इसको लॉक करते हैं। बट ये क्योंकि आमिर खान के मूवीज़ की तरह एकदम हटके वॉच है, तो इसका डिज़ाइन बेल्ट का भी डिफरेंट है। इसमें ना कोई होल्स है ना कोई लॉक है। इसको कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इस पर यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके डालना है, खींचना है और यहाँ पे फिक्स कर देना है, टच कर देना है, बस हो गया। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपका हाथ बड़ा है छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर साइज़ के रिस्ट को ये वॉच परफेक्टली सूट हो जाएगा। बाकी सारे वॉचेस में एक बैटरी सेल होता है पर ये अलग है, तो इसमें दो बैटरीज है, एक टाइम मोमेंट के लिए और दूसरा इसमें लगे हुए छोटे से एक बैकलाइट के लिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको एक बार प्रेस करके कि ये बैकलाइट कैसे ऑन होता है। चलिए लाइट्स ऑफ कर लेते हैं और अभी देखते हैं इसका। अभी मैं बटन प्रेस करने वाला हूँ बैकलाइट का, ये देखें, ये आप देखा, ये 3 सेकंड के लिए ग्लो होता है और फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ये इसमें कोई लुमिनेसेंट नहीं है, सिर्फ LED बल्ब है नीचे, उसके लिए एक सेपरेट बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी से ये LED ग्लो होता है और जो मूवमेंट है उसके लिए दूसरी बैटरी है। तो इसमें दो बैटरीज आते हैं, दोनों में 3 साल की वारंटी है। चलिए वॉच की स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे थोड़ा छोटा सा लगता है ये वॉच। इसका जो डायल है ना वो सिर्फ 38 mm का है, इसके कंपेरिजन में आप और कोई वॉच देखोगे 45 mm वाला या 44 mm वाला तो ये बहुत छोटा लगेगा आपको। इसका जो ओवरऑल डायमीटर है वो 40-41 mm है, लग टू लग साइज 43 mm है और इसका जो थिकनेस है वो 12.5 mm है। बहुत ही हल्का वॉच है, बहुत ही लाइट वेट वॉच है, सिर्फ 33 ग्राम इसका वेट है, क्योंकि इसके ज़्यादातर पार्ट्स जो है इसकी बॉडी, ग्लास, केस सब प्लास्टिक का बना हुआ है। इसका जो क्राउन है वो यहाँ पे है, डेट और टाइम सेट करने के लिए वो 4 o'clock पोजिशन पे है। इसका जो केस बैग है वो स्टेनलेस स्टील का है, स्क्रू डाउन केस बैग है, 4 यहाँ पे स्क्रूज आएंगे इसमें। पीछे साइड आप देखोगे तो कैशियो का लोगो है और यहाँ पे 10 bar यानी 100 meter वाटर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है 100 meter वाटर रेजिस्टेंस इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगे वाले वॉचेस में सिर्फ 30 meter या 50 meter का वाटर रेजिस्टेंस नॉर्मली आता है और इसके अंदर एक सॉलिड जापानीज मूवमेंट लगा हुआ है क्वार्ट्ज का। फिर सामने से अगर आप देखोगे तो कैशियो का ब्रांडिंग है, उसके ऊपर यहाँ पे फॉरेस्टर का लोगो है, फॉरेस्टर लिखा हुआ है जो वॉच का मॉडल है। नीचे इल्यूमिनेटर लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे एक इल्यूमिनेटर लाइट है, यहाँ देखिए आप नीचे, और ऊपर वाटर रेजिस्टेंस 100 meter लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे जो अरेबिक न्यूमरल्स है बहुत बड़े बड़े साइज़ के है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और नीचे जो है वो 24 आवर्स के भी, यहाँ पे आप देखोगे 13-24 रेड कलर में वो भी दिया हुआ है अरेबिक न्यूमरल्स। तो ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है, ये वॉच को एक ना मिलिट्री लुक देता है। तो मिलिट्री वॉचेस में नॉर्मली ऐसा होता है, टैक्टिकल वॉचेस में, कि 12 आवर्स एंड 24 आवर्स दोनों का अरेबिक न्यूमरल्स होता है। मैंने यहाँ US में इस वॉच को $20-22 में ख़रीदा है, जो कि इंडिया का 1500-1800 रुपये होगा अराउंड। और सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है डायल साइज बहुत छोटा है, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है इस वक्त, या कभी भी, मुझे पता नहीं क्या इशू है, या ये सिर्फ US मार्केट्स के लिए है। तो ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट अगर आपको इसी तरह का एक वॉच चाहिए तो एक ऑप्शन है, एक अल्टरनेटिव है, और वो है टाइमेक्स का एक्सपीडिशन। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, बट उस टाइमेक्स एक्सपीडिशन इससे मिलता जुलता वॉच है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसका प्राइस इससे 50% ज़्यादा है, और उस वॉच में टाइमेक्स वाले में 50 meter वाटर रेजिस्टेंस है, जबकि इस फॉरेस्टर में 100 meter का वाटर रेजिस्टेंस है।
तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ उस प्राइस पे टाइमिक्स को। तो आप कोशिश करिए अलीबाबा एक्सप्रेस या ईबे पे ढूंढने की इस कैशियो फॉरेस्टर को। और अगर आपके पास ऑलरेडी जी शॉक है, कैशियो का जी शॉक है, उस केस में इस वॉच का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जी शॉक बहुत ही बेटर वॉच है, बट मुझे ये वॉच बहुत ही पसंद है। और इस प्राइस पे जो है ना 1500-1800 में इतना बढ़िया वॉच नहीं मिलेगा। और ये आप ज़रूरी नहीं कि कैंपिंग के लिए पहने, आप कहीं पे भी पहन सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई वॉच देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।